आज मैं 10 मिनट लेट हूँ। आज मेरे पतिदेव मेरे कॉलेज तक छोड़े क्योंकि ऑटो मिला ही नहीं वहाँ पे। फिर हम लोग ज़्यादा वेट भी नहीं किए, फिर मैं आ गई क्लास में, सर आ गए, आवाज़ सुनाई दे रहे, और बाइक पे तो हवा में बाल इतना ख़राब हो गया है ना यार, हम लोग थक जाते हैं यहाँ तक आने। तो गाइज़ फाइनली अभी हमारे घर में काम लग चुका है एंड यहाँ पे छत पे मतलब फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे काम लगा है, देन सेकंड फ्लोर पे भी काम लगेगा। अब एक ही बार सब कुछ कंप्लीट होगा अच्छे से। बहुत टाइम से ये पेंडिंग था, छत पे कुछ गिट्टी सीमेंट ऐसे ही रखे हुए थे। लॉकडाउन से ही हम लोग सोच रहे थे बनाने के लिए, बट उस टाइम पर ऐसा टाइम आ गया ना कि नहीं बन पाया। बस उस टाइम से जो पेंडिंग रहा ना फिर रुका ही रह गया। ऐसा नहीं होता है कि आज होगा कल होगा, तो इसी टाइम में नहीं हो पा रहा था। फिर आज वो टाइम आ गया है जब काम स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर घर में काम स्टार्ट हो गया है और बहुत अच्छा, मैं बहुत सारी चीज़ें इंटीरियर वगैरह बनवाने वाली हूँ, तो अभी तो फ्यूचर की बात है, बताऊँगी आपको अच्छे से दिखाऊँगी वीडियो में। हाय गाइस, तो अभी हम लोग बुचिया को लेके आए हैं अपने रूम में। अथर बहुत जिद करता है मम्मी लेके चलो बुचिया को अपने रूम में, है ना। तो ये कौन है, अमन जी आज इस वाले गाने पे डांस करने वाले हैं और इनका देखते हैं ग्लास टूटता है कि नहीं। वो गिर जाएगा, छोड़ने में डर है। हां सीता का है, गिर जाएगा, नारा गिर जाएगा, एकदम टूट जाएगा गिर के। बैलेंस बन रहा है, पीछा से रखा ही सदा लीजिए। और भी ऐसा ज्यादा आता ना ग्लास तो हो जाता, सब लोग कर लेता ये वाला स्टाइल। हाँ मूव कीजिए, डांस कीजिए, डांस कीजिए, देखेगा ग्लास और टूटेगा ना, मेरे बेड में पानी गिरेगा। हाँ ऐसे ही पकड़ के, ये सही, हाँ ये सब तो सही है पकड़ के। तुमको डर लग रहा है गिरेगा। गाइस आप लोग मेरा नाम जानते ही हैं, क्या है बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारी बुचिया है, देखो देखो। अरे बैकग्राउंड में गाना चल रहा है ना, फिर हम म्यूट करना पड़ेगा। ये देखो मेरी बुचिया है, आप ये देखो। अरे ये कहीं मेरी में कोई क्वालिटी नहीं है, तब पर भी आप मुझे फॉलो करें। बहुत किसी जतरा तो अभी रात के 10 बजे हमारी मस्ती चल रही है। हम लोग सोच रहे हैं कि उस वाले जो ट्रेंडिंग सॉन्ग है उस पे थोड़ा बहुत डांस करें हम लोग भी, ग्लास लेके, भले ग्लास फूटे तो फूटे। और छोटकी बुचिया अभी दूध पी रही है, छोड़ दे थू। कल फिर सुबह क्लास जाना है, आज संडे था तो आज छुट्टी है, आज बहुत सारे काम हो गए। कल है मंडे, तो मंडे को मंडे टू फ्राइडे क्लास देंगे। लग जाएगी ना उसको। यहाँ पर आ गई हमारी परम सुंदरी, देखो भाग गई, कैसे भाग रही है। हम सब लोग रेडी हो गए हैं वो वाला। लो किसका ग्लास फूटा, ओ अथर अपना पहले ही गिरा दिया। तो अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं कैसे जमल जमल बन रहा है। ये मास्टर भी आ गए, बॉबी देवल के फैन, लॉर्ड बॉबी। अभी हम लोगों को सिगरेट और बीड़ी भी चाहिए। और अरे अथर बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन गिरा दे रहा है बार बार। सुनिए ना सिगरेट है, कागज है वो, मोटा वाला कागज है उसमें।
और उसमें उसमें झोला में है, खातिन सोरे झोला में है, उसमें मोटा वाला व्हाइट व्हाइट है। लेकिन अगर ये सुने ना, एक हाथ से ग्लास पकड़ेंगे, एक हाथ से सिगरेट पकड़ेंगे, तो फिर ऐसे ऐसे वाला स्टेप कैसे करेंगे? हाँ नहीं छोड़ दीजिए, तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक। आज अमन जी ग्लास फोड़ दिए हैं, तो अभी वीडियो बन रहा है। चलो हम ये क्या कर। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम का टाइम हो गया है और शाम के बज गए हैं 6। अथर्व यहाँ पे सोया हुआ है, मैं यहाँ पे, अभी थोड़ा सा मेरा आँख लग गया था पढ़ाई करते करते। मैं अभी ये पढ़ रही थी, तो गाइस आज मैं बता दूँ आपको कि आज मैं पूरे दिन, आज मंडे है, आज मैं पूरे दिन घर पे ही पढ़ाई की हूँ। मैं कॉलेज नहीं गई बिकॉज पतिदेव किसी काम से सुबह सुबह चौसा चले गए थे, तो मुझे अजीब लगा। अथर्व का भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था, फिर मुझे लगा कि यार अथर्व को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसको स्कूल भी नहीं भेज पाई थी आज। तो मैं सोची आज मैं नहीं जाऊँगी, तो फिर मैं भी नहीं जा पाई। और मैं पूरा दिन अपना काम करके, जो भी मेरे वर्क होते हैं सब कुछ करके, फिर मैं कब से पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करते करते थोड़ा सा नींद लग गई। अभी ऐसा टाइम चलता है ना, आप कंबल में बैठे रहो तो नींद आ ही जाती है, लेटे रहो तो। मेरी भी वही हालत हो गई थी। बाकी अभी मैं जा रही हूँ कुछ काम करने, घर में भी काम लगा हुआ है, काम चल रहा है। अभी तो मिस्त्री लोग चले गए हैं, बनेगा जैसे मैं सब कुछ दिखाऊँगी, शेयर करूँगी। ओके, तो भी मैं जा रही हूँ किचन में, और थोड़ा सा चावल बच गया है दिन का। एक्चुअली आज हस्बैंड नहीं आए घर पे बिकॉज वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो मम्मी बोल रही हूँ वाला चावल फ्राई कर लो। तो अभी मैं मटर निकाल ली हूँ, देन मैं जा रही हूँ भी चावल फ्राई करने, फिर रात का खाना बनेगा, है ना। ऐसे ही सुबह शाम ड्यूटी लगी रहती है, डेली का यही काम है घर में, जो लोग भी हैं, खैर सबके घरों में शाम सुबह दोपहर खाना तो बनाना ही है भाई, कपड़ा धोना ही है, इससे आदमी जाएगा कहाँ। तो मैं भी चलती हूँ, लगती हूँ अपने कामों में देन, क्योंकि आज मेरा मतलब मैं क्लास नहीं गई थी, तो आज मैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई कर ली हूँ, इसीलिए अभी 2-3 घंटे काम करूँगी, देन मैं पढ़ाई करूँगी। तो अभी मैं कर रही हूँ चावल फ्राई, और इसमें मैं डाली हूँ प्याज, टमाटर, मटर और हरा मिर्च और हरी धनिया। मतलब आजकल धनिया का पत्ता और मटर, यार ये खा खा के तो उब गया है, हम लोग हर चीज़ में डालना पड़ता है क्योंकि अभी इसी का टाइम ही चल रहा है। तो अभी मैं ये फ्राई करके दे दूँगी, जिसको भी खाना होगा वो खा लेगा, क्योंकि कभी कभी अच्छा भी लगता है। उसके बाद मैं अभी बना रही हूँ रात का डिनर, तो ये हमारा काम है। अभी सब्ज़ी में बना रही हूँ, सब्ज़ी के लिए यहाँ पे मैं मसाला पीस ली हूँ, फिर मैं उस मसाले को ही डाल के बना रही हूँ। आज मैं सूखा वाला मसाला नहीं डाली हूँ, पीसा वाला ही मसाला डाल रही हूँ। एक्चुअली आज भी क्या हुआ है ना कि आज भी मैं क्लास नहीं गई, और कल भी मैं भी नहीं, जानते हो यार फैमिली में रहूँ ना तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो ही जाती है, मतलब कभी किसी की वजह से, कभी किसी रीजन की वजह से दिक्कत हो ही जाती है, क्या करें, सब कुछ देख कर मैनेज करना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो अभी मैं आज तो नहीं जा पाई मैं, फिर कल का भी पता नहीं है, कुछ देखते हैं। वैसे तो मैं हर डेली मतलब यही सोच के उठती हूँ कि चलो अब रेडी होना है, क्लास जाना है, लेकिन फिर पता चलता है कि नहीं, कुछ दिक्कत आ गई, तो फिर कभी कभी एब्सेंट भी करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है मेरे लिए। एब्सेंट करना बहुत लॉस जाता है, मतलब एक दिन भी आप क्लास ना करो तो समझो कितना चीज़ आप खो रहे हो, इस चीज़ का एहसास होता है मुझे। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि चलो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी फैमिली है, घर है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है। बाकी हमारी यहाँ पर बन रही है सब्ज़ी, तो ये देखो यम्मी यम्मी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, जिसको भी खाना है वो आ जाएगा। और अभी ऐसा जो टाइम चल रहा है ना, बाप रे, कंबल में से तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। खैर अभी हमारे यहाँ धूप निकल रहा है, बट फिर भी कनकनी बहुत ज़्यादा है, ठंड है। और अभी बहुत सारे कपड़े मैं लाई थी छत पर से धो के, ये जो स्वेटर वगैरह था ना, ये सब भी मैं धो दी थी। तो ये सब का बाजू थोड़ा बहुत नहीं सूखा था, तो मैं सोची चलो इसको ऐसे ही टांग देती हूँ। आजकल ना हैंगर पर बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि ठंड के कपड़े ना, मोटे मोटे स्वेटर, जैकेट, इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि ये सब पूरे घर को भर भर दे
देता है और पूरा घर भर जाता है ठंड के दिन में। इतने मोटे मोटे सब कपड़े हो जाते हैं एक एक आदमी कितने सारे, और मेरे तो अथर्व के, इसके पापा के और मेरे तीनों को मिला के तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो बस सबको मैं आज धो दी थी। अभी धूप निकल रहा है तो सूख भी जाएगा, जब कुहासा होने लगेगा ना तो ये सब कपड़े सूखेंगे भी नहीं, इसीलिए कुहासा होने से पहले जब तक धूप हो रहा है ना सारे कपड़े मैं सुखा ले रही हूँ धो धो के। इधर बीच में डेली कपड़े धोती हूँ ताकि सारे कपड़े धूप में सूख जाएँ, और फिर अगर एक महीना कुहासा भी पड़ेगा ना तो उधर बीच में मैनेज कर लिया जाएगा, क्योंकि कपड़े सूखेंगे ही नहीं, धूप नहीं निकलेगा तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। फिर ये वाला ब्लॉग भी मैं यहीं पेंड करती हूँ, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। बाय बाय।